नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेके आने वाले हैं जो कि सोलर फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको पता ही है दोस्तों, जब हम सोलर पैनल तो हम इंस्टॉल करा लेते हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद फिर हमारी जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। और उसके घटने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक मेन कारण हमारा पैनल की वॉशिंग न होना है। और आपको नॉर्मली पता है पैनल ज़्यादा हाइट पर लगते हैं, छत के ऊपर हम लगाते हैं, तो शुरू शुरू में तो हम उनको किसी न किसी तरीके से पानी पुनी मार के साफ कर लेते हैं, पर उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम उनको साफ कैसे करें, कैसे उनकी क्लीनिंग करें, किस तरीके से वॉशिंग करें। कई बार क्लाइंट के माइंड में मिसकॉन्सेप्शन भी रहता है कि अगर हम उस पर पानी वगैरह मारेंगे तो शायद हमारे को करंट भी लग सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से पैनल को हमारे वॉश कर सकते हैं, उसको पानी के साथ या पूरी तरह क्लीनिंग कैसे कर पाएंगे उसको। तो दोस्तों, अगर आप पैनल पे कपड़ा मारते हो तो कपड़ा मारने से वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या होता है रात को ठंड होने की वजह से उसके ऊपर ओस जम जाती है और उससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो चिपक जाती है। अगर आप खाली उस पर कपड़ा मारते हो तो कपड़ा मारने से वो आपका पैनल अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आज ये वीडियो लेके आए, और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए दोस्तों किस तरीके से हम सोलर पैनल की अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सिंपली करना कुछ नहीं है, आपके पास मोटर होती है, हर एक घर के अंदर मोटर होती है, और मोटर की जो सप्लाई रहती है वो ऊपर पानी की टंकी तक जरूर रहती है, जिसके आसपास ही सोलर पैनल हमारे इंस्टॉल हुए रहते हैं। तो आपने क्या करना है, बस जो मोटर की सप्लाई ऊपर आ रही है वहाँ से आपने कनेक्शन ले लेना है, एक पाइप लगा लेनी है। और उसके बाद दोस्तों आप सिंपली, आप देखो ये पैनल आप देख सकते हो, ये हमारे पुराने पैनल है, यानी कि जो आज से 4-5 साल पहले आते थे मोनो पैनल, मोनो और पॉली पैनल। तो दोस्तों ये जो मोनो और पॉली पैनल है ये सिंगल गिलास के अंदर होते थे, नीचे इनके व्हाइट शीट होती थी, तो इनके ऊपर भी आप चढ़ के आसान से क्लीनिंग कर सकते हो। आपने सिंपली पैनल के ऊपर पानी फेंकना है, पानी फेंकिए और एक वाइपर ले लीजिए, वाइपर से अच्छी तरह उसको क्लीन कर दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे किस तरीके से पैनल को साफ किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब रात को ठंड होती है और उसके बाद उसमें दिन में धूप धूल गिरी थी वो पानी की वजह से, ओस की वजह से उस पर जम जाती है। तो जब तक आप उसको अच्छी तरह रगड़ोगे नहीं, जैसे वाइपर से रगड़ा जा रहा है, तब तक वो मिट्टी उससे उतर नहीं पाएगी, और अगर मिट्टी नहीं उतरेगी वो वहीं पे जम जाएगी। जमने के बाद आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला है, आपकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी। तो उसी के लिए सबसे पहले तो आपने पानी पैनल के ऊपर मार लेना, पानी को मारने के बाद उसके बाद आपने वाइपर से अच्छी तरह उसको ऐसे रब करना है। और आप दोस्तों पैनल के ऊपर चढ़ सकते हो, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है पैनल के ऊपर। इनकी मैं बात करूँ, इन जो हमारे साथी हैं इनका तो वेट कम है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे भी 90+ के करीब वेट है, और देखिए दोस्तों मैं बिल्कुल आसानी से इन पैनल के ऊपर चल पा रहा हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका पैनल टूट जाएगा। हाँ, ज़्यादा उसके ऊपर उछल कूद मत कीजिए या फिर जैसे जंप वगैरह मत कीजिए, अगर आप उसके ऊपर सिंपली चढ़ जाते हो तो पैनल ऐसे आपका नहीं टूटेगा। और जो आजकल पैनल आ रहे हैं वो तो आपको सभी को पता ही है, आजकल नॉर्मली बाईफेशियल पैनल लग रहा है, ड्यूल ग्लास के अंदर होते हैं, तो वो तो और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं हमारे इन पैनल से। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारे टोटल यहाँ पे 5 किलोवाट के पैनल लगे हुए, जिसके अंदर दोस्तों हमने 3 स्ट्रिंग बनाई है, हाइब्रिड इन्वर्टर हमारा नीचे लगा हुआ है, और इसमें 335 वाट के 5 पैनल की एक स्ट्रिंग है, 335 वाट के 5 पैनल की एक स्ट्रिंग, और मोनो पैनल की भी एक स्ट्रिंग हमने इसमें 5 पैनल की बनाई हुई है। साथ ही साथ हमारे फ्रेमलेस पैनल भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो 6 फ्रेमलेस पैनल है। तो दोस्तों इन पैनल पे तो हम चढ़ सकते हैं, पर इन पैनल के ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इनमें फ्रेम नहीं है, तो इनके ये इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, और हो सकता है कि अगर हम इनके ऊपर जाएँ तो ये टूट जाए। पर दोस्तों ये पैनल ओनली फॉर टेस्टिंग इंडिया में आए हुए थे, तो ये नॉर्मली मार्केट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर पैनल यही होता है, या तो ये है या जैसे एडवांस हो चुका है, मोनो पर घाव कट आ चुका है, टॉप ऑन पैनल आ चुका है, तो वो और तो उनके फ्रेम और उनके जो गिलास वगैरह वो तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो उनके ऊपर आप आसानी से चढ़ सकते हो। और जो दूसरा कंसर्न हमारे क्लाइंट्स का ज़्यादातर रहता है, या किसी का भी जो सोलर पैनल इंस्टॉल कराता है अपने घर पर, तो दूसरा ये कंसर्न रहता है कि अगर हम उसको पानी से साफ करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा बंदा जो खड़ा हुआ है ये पानी को पैनल के ऊपर मार रहा है, और वायरिंग भी आप देख सकते हो, वायरिंग भी यहीं पे रास्ते में पड़ी हुई है। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न ये रहता है कि कहीं पानी मारने से उसके ऊपर हमारे को करंट तो नहीं लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नीचे इसके कनेक्टर वगैरह होते हैं सारे IP68 के प्रूफ होते हैं, वायरें आपकी इंसुलेटेड होती है प्रॉपर डबल कोटिंग के अंदर, तो इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप पानी मारोगे और वहाँ से आपका करंट लीक हो गया, आपको करंट का झटका लगे, कुछ भी ऐसा इसके अंदर होने वाला नहीं है। आपने सिंपली पानी मारिए, उसके ऊपर कपड़ा मारिए, वाइपर मारिए, पर हाँ उसको आपको थोड़ा सा स्क्रब जरूर करना पड़ेगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हल्का कपड़ा अगर आप मार दो तो उससे साफ हो जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं वॉशिंग की बात करूँ तो वॉशिंग करने से कितना हमारा इफेक्ट पैनल की प्रोडक्शन पे पड़ने वाला है, तो दोस्तों वॉशिंग के कारण से आपके ऊपर पैनल के ऊपर 15 से लेकर 30% तक का प्रोडक्शन में डिफरेंस आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पैनल के ऊपर धूल कितनी पड़ी हुई है। अभी दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ ये पैनल देखिए कैसे क्लीन हो चुके हैं, पर अगर हम इधर की हमारे पैनल की बात करें
ये हमारे वर्किंग में नहीं है, मैंने ऐसे सिंपली इनको डाला हुआ है। तो इन पैनल की आप हालत देख सकते हैं दोस्तों। तो जो ये पैनल है, इतनी सारी धूल होने की वजह से इन पैनल में आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगी। ये पैनल आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल धूल जम चुकी है, जो कि क्या करने वाली है, सोलर की जो हमारी सनलाइट आएगी उसको ये धूल रोक देगी और सोलर की प्रोडक्शन आपकी काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। 30-35% तक सोलर की प्रोडक्शन आपकी सिर्फ धूल के कारण घट जाती है। तो इसलिए दोस्तों सोलर पैनल की वॉशिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने सोलर पैनल की रेगुलर वॉशिंग करते हो तो उससे क्या रहेगा, जो आपकी प्रोडक्शन है वो आपकी मेंटेन रहेगी, ऐसे डाउन जाने वाली नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और हमारे क्लाइंट्स का ये रहता है कि पैनल की वॉशिंग हमें कब करनी चाहिए। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपने पैनल की वॉशिंग कब करनी है। अब दोस्तों जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, बिल्कुल शांत एरिया है, चारों तरफ हरियाली है, कोई रोड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे जो वॉशिंग की जो अगर मैं फ्रीक्वेंसी आपका बोलूँगी कब वॉश करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी वॉशिंग का एक एक महीना भी हम बाद वॉश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह इतनी उड़ती नहीं है। तो धूल नहीं उड़ेगी तो यहाँ पे बैठेगी भी नहीं धूल और पैनल की प्रोडक्शन में खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी एक महीने बाद भी वॉशिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप रोड के आसपास हो, कोई चलता रोड है, वहाँ पे कब तक गाड़ी आ रही है जा रही है, धूल उड़ रही है, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई ऐसी साइट है जहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है, रेत उड़ता रहता है कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास, तो वहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो वीकली भी हो सकती है, वीक में दो बार भी हो सकती है। तो उस प्रकार से डिपेंड करता है, ये साइड टू साइड डिपेंड करता है कि आपने वॉशिंग कैसी करनी है। हाँ, अगर आपको लगे कि आपके पैनल पे ज़्यादा धूल जम चुके हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे धूल जमी हुई है, यहाँ पे धूल जमी हुई है, तो आप इसको वॉश कर सकते हो। आप ये वेट मत कीजिए कि ज़्यादा इस पे धूल जमेगी उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, क्योंकि दोस्तों उससे आपका बेसिकली नुकसान होने वाला है। छोटे प्लांट में तो इतना पता नहीं चलता जैसे 1-2 किलोवाट के प्लांट में, पर अगर 3 किलोवाट 5 किलोवाट की हम बात करें तो 5 किलोवाट में धूल के कारण आपको दिन में 2-3 यूनिट का फर्क आ सकता है। तो इस वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपकी प्रोडक्शन घटती चली जाती है। और अगर आप पैनल को रेगुलरली वॉश करते हैं, जैसे कि आप देखे जा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ पैनल के ऊपर जैसे सीमेंट के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे जो चिपक चुके थे, तो वो भी अच्छी तरह वॉश किए जा रहे हैं, बिल्कुल कोई खतरे वाली बात नहीं है। पैनल के ऊपर पानी भी अपना मोटर से चला के हम डायरेक्ट इसके ऊपर मार रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने भी वॉश करना है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कोई आइटम होता है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से कोई प्रेशर मोटर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने मोटर से भी काम चला सकते हो, आपने सिंपल एक वाइपर लेना, उससे आप अपने पैनल की वॉशिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पैनल तो जैसे नीचे की तरफ लेटे हुए तो आप पैनल के ऊपर चढ़ पा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि डबल डैगर ट्रिपल डैगर पैनल होता है और आपका जो वाइपर है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो उसके लिए आप अमेजन से या ऑनलाइन वाइपर आप स्पेशल जिनका साइज लंबा होता है 6 मीटर 9 मीटर वो आप परचेज कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक में जाके और उसको परचेज कर सकते हैं। वो बेसिकली सिर्फ आपका वाइपर का साइज बढ़ा देंगे, ताकि आपका जो ट्रिपल और डबल डैकर पैनल है जहाँ तक आपका हाथ या आपका नॉर्मल वाइपर नहीं पहुँच सकता, वो वहाँ तक पहुँच जाए और उसको अच्छी तरह साफ कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम यही कवर करने वाले थे, और इसके बारे में मुझे लगता है मैंने आपको अच्छी तरह जानकारी दी है कि आप पैनल की वॉशिंग किस प्रकार से कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास प्रेशर गन वगैरह है तो उससे थोड़ा अवॉइड करें कि उससे पेनिट्रेटिव आप वॉशिंग ना करें, आप उसको फैला के उससे वॉश कर सकते हो वाशर से। कोशिश ये करें कि उसमें से हम जो बीम आती है पानी की उससे आप उसको साफ ना करें, क्योंकि उससे पैनल के अंदर ब्रेकेज होने का चांस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं टूटेगा, पर चांसेस रहते हैं कि आपका पैनल उससे टूट सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही, और साथ ही साथ हम एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिवाली का सीजन आ चुका है और इस कारण से काफ़ी सारे क्लाइंट्स के हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उनके जो सोलर सिस्टम है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी घट चुकी है और यूनिट है वो काफ़ी कम बन रही है पहले के मुकाबले, आज से 1-1.5 महीना पहले के मुकाबले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर हम वो सारा कवर करने वाले हैं कि आपकी सोलर की प्रोडक्शन क्यों घट रही है। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।